कंबाइंड है ना। अव्यक्त वाणी में दादा माने ब्रह्मा की सोल काम करती है या नहीं है? करती है। और जब गुलजार दादी में प्रवेश करती है तो बाप शिव की याद में रहती है या नहीं रहती है? रहती है। मुरली में बोला है तुम बच्चे मेरे को जितना जास्ती याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए बाप दादा बोला जाता है। और सबसे पहले माउंट आबू कौन जाएगा? जो सबसे तीव्र पुरुषार्थी होगा वही आत्मा पहले जाएगी। सबसे पहले अपने घर कौन जाएगा है? है? बेहद के घर परमधाम कौन जाएगा? बाप तो दो हैं, एक आत्माओं का बाप, दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। कौन जाएगा? झाड़ के चित्र में जिसे दिखाया है वो ही जाएगा। और बाप अकेला जाएगा या बच्चों के साथ जाएगा? जो बाप समान स्टेज वाले बच्चे होंगे उनके साथ जाएगा, बाकी फिर नंबरवार। तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो इस सृष्टि में भी जो परम धाम होगा शांति धाम की रौनक बनेगी, वहां भी नंबरवार बच्चे जाएंगे और वो ही नंबर होगा जो परम धाम से सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरने वालों का होगा। और जितना बेफिक्र बादशाह बनेंगे, बेफिक्र बादशाह बनेंगे, बिल्कुल। इसका प्रैक्टिकल रूप, इसका प्रैक्टिकल रूप है इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनके मस्तक में दिव्य ज्योति चमकती हुई दिखाई देती है या नहीं देती है? है? देती थी। वो नई उतरी हुई ग्रेट आत्माएं हैं। वो तो द्वापर युग की बात थी। द्वापर युग श्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग नहीं है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग कौन सा है? पुरुषोत्तम संगम युग है। तो पुरुष माने आत्माओं के बीच में जो उत्तम से उत्तम आत्माएं हैं वो द्वापर युगी उतरने वाली आत्माएं नहीं है, बल्कि द्वापर युग में जो आत्माएं उतरती हैं
ग्रेट कही जाने वाली आत्माएं उतरती हैं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, उनके भी आधार मूर्त और बीज रूप आत्माएं संगम युग में मौजूद हैं। उन आधार मूर्तों को भी बीज अष्ट देव हैं। वो अष्ट की लिस्ट में आने वाली अष्ट मूर्तियां सदैव याद में और सेवा में बिजी होंगी या स्वार्थ की सेवा में लगी हुई होंगी? है सदैव जो याद और सेवा में लगे हुए होंगे उनकी जरूर वो अवस्था बन जाती है। जो चेहरे से बाप प्रत्यक्ष होने लगे, बेफिकर बादशाह, अर्थात अपनी कोई परवाह नहीं, जो पाना था सो पा लिया, ऐसे निश्चिंत हो जाते हैं। और जिनको कोई चिंता नहीं रहती है उनका मन चंचल होता है या मन स्थिरियम हो जाता है। मन जब स्थिरियम होने लगता है तो आंखें भी स्थिरियम होने लग पड़ती हैं, अपने काम से काम, ईश्वरीय सेवा से काम, दुनिया की बातों से कोई काम नहीं। तो आत्मा के स्थिर होने से, मन बुद्धि के स्थिर होने से वो दिव्य ज्योत आत्मा से झलकती है। और इतना आत्म के दृष्टि में रहेंगे, इतना प्रकृति के पांच तत्व प्रकृति के पांच तत्व सतो प्रधान बनेंगे या तमो प्रधान बनेंगे? प्रकृति के पांच तत्व जड़ हैं या चैतन्य हैं? तो चैतन्य आत्माएं पहले सतो प्रधान बनेंगी या जड़ तत्व पहले सतो प्रधान बनेंगे? तो प्रकृति तो दिन प्रतिदिन तामसी रूप धारण करती जाएगी, लेकिन जो नंबरवार आत्माएं हैं वो अपने शरीर के पांच तत्वों के प्रभाव से परे होती जाएंगी। इसलिए बोला है शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जावेगी। प्रकृति के पांच तत्वों के प्रभाव से परे होती जावेगी। प्रकृति जब तक इस जड़त्वमयी दुनिया का विनाश नहीं कर लेती है तब तक सतो प्रधान नहीं बननी है, क्योंकि जड़ प्रकृति भगवान के ज्ञान को सुनती है या आत्माओं के योग से प्रभावित होती है? है योग से प्रभावित होती है। सृष्टि के अंतकाल में जो नई सृष्टि की नई राजधानी तैयार होगी उस राजधानी के
जो भी छोटे बड़े भांति होंगे, उनकी याद की शक्ति प्रकृति के पांच तत्वों को थमावेगी। बाकी सारी दुनिया के आत्माओं से कनेक्टेड प्रकृति के पांच तत्व विनाश के निमित्त बनेंगे या थमने के निमित्त बनेंगे? है, सारी सृष्टि का विनाश होना है सिवाय 4.5 लाख आत्माओं के। और बाबा ने बताया कि स्व स्थिति में गया यानी स्वर्ग में गया, तो बाप तो सदैव स्वस्थिति में रहते हैं। कौन से बाप सदैव स्वस्थिति में रहते हैं? आत्माओं के बाप रहते हैं। हाँ, ये कहा है हमको ऐसा बाप मिला है जो स्वर्ग में नहीं जाता है लेकिन हमको स्वर्ग में भेज देता है। हाँ, वो तो सदैव स्वस्थिति में रहता है तो स्वर्ग में स्वर्ग में नहीं जाता है। वो कहाँ स्वर्ग में जाता है? शिव, शिव को स्वर्ग की जरूरत है, है? कि स्वर्ग से भी परे की स्थिति में है। स्वर्ग तो 16 कला संपूर्ण होता है, वो कलाओं से परे कलातीत है या स्वर्गीय स्थिति में है? फिर जो कलातीत है उसे स्वर्ग में जाने की रहने की कोई दरकार नहीं। और हाँ जी, बाबा ने वार्तालाप में कहा है पांच पांडव अष्टदेव है उसमें। पांच पांडव अष्टदेव हैं? है, पांच पांडव कैसे अष्टदेव हैं? पांच पांडवों का कनेक्शन पांच स्वधर्म से है। पहले भी बताया जो आदि से लेकर अंत तक युद्ध में स्थिर रहे वो है युधिष्ठिर अर्थात सूर्यवंशी। जो भयंकर रूप धारण करता है 100 कौरवों के लिए भी, ढेर के ढेर राक्षसों के लिए भी और कीचकों के लिए भी, वो भीम है। क्षत्रिय धर्म की आत्मा है जो बुद्धिमान नर अर्जुन है, वो बुद्धि में तीक्ष्णता के कारण बौद्ध धर्म से कनेक्टेड है। और जो सात्विक स्टेज में देवी देवताओं का विशेष सहयोगी बन जाता है, जो मुरली में बोला है कि ये संन्यास धर्म की आत्माएं जब निकलेंगी तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। परंतु वो सदैव उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, तामसी बनते हैं तो विदेशियों के सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए ना स्कूल के हैं पक्के ना उस स्कूल के पक्के हैं,
शास्त्रों में उनका नाम नकुल दिया है। और जो देवी देवता सनातन धर्म के पहले भी सहयोगी थे और लास्ट में भी सहयोगी बनते हैं वो सहदेव हैं, सिख धर्म से कनेक्टेड हैं। तो पांचों ही ग्रुप अलग अलग हैं, एक युधिष्ठिर की बात नहीं है, एक एक पांडव की बात नहीं है, एक अर्जुन की बात नहीं है, अनेक प्रकार के पांडवों के ग्रुप हैं जो पांच भागों में विभक्त हैं। इसलिए अष्टदेव कौन से ग्रुप के हैं? सूर्यवंशी ग्रुप अर्थात आदि से लेकर अंत तक युद्ध में डटे रहने वाले, और है एक लवीर ने कौरवों का साथ क्यों दिया? किसका? कौरवों का। एकलव्य जो एक को लव करता था वो एक आत्मा कौन सी है जिसको लव करता था? है वो साकार शरीर धारण करने वाली 84 के चक्र में आने वाली आत्मा है या 84 के चक्र से परे रहने वाली आत्मा है? किसको लव करता था? है वो लव किससे करता था? शिव बाप से लव करता था। बाकी साकार गुरु ने तो धक्का दे दिया था। और जब सिद्धि भी मिली, सिद्धि का रिजल्ट भी आया, तो साकार गुरु ने उसका अंगूठा ही काट लिया। कोई भी साकार गुरु उसका उद्धार नहीं कर सकते। वो निराकार उपासी हुआ या कोई साकार का उपासी हुआ? निराकार उपासी विधर्मी होते हैं, विदेशी होते हैं या स्वदेशी होते हैं? है? विधर्मी और विदेशी होते हैं। अब वो पार्ट किसका है? है? अरे शास्त्रों में वो पार्ट कृष्ण का दिखाया है। कृष्ण यादव कुल से था या पांडव कुल से था? विदेशी था या स्वदेशी था? बाप भी क्या बन करके आया है? विदेशी बन करके आया है। विदेशी बन करके आया है। विदेशी है या बन करके आया है? बन करके आया है, इसलिए एकलव्य है। और है लक्ष्मी वाली आत्मा ज्ञान तो नारायण से लेती है। हाँ जी, लक्ष्मी का नाम आगे क्यों? ज्ञान लेना, ज्ञान देना बड़ी बात है या प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान धारण करना बड़ी बात है? तो नारायण के मुकाबले लक्ष्मी में क्या विशेषता देखी?
वो धारण करके दिखाती है। इसलिए लक्ष्मी का नाम पहले और नारायण का नाम बाद में, राधा का नाम पहले और कृष्ण का नाम बाद में, सीता का नाम पहले और राम का नाम बाद में। लेकिन जब शंकर पार्वती की बात आती है तो पार्वती का नाम पहले नहीं है, किसका नाम पहले है? शंकर का नाम पहले है। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल भगवान का पार्ट है, भगवान से कोई ऊंचा नहीं हो सकता, भगवान ही नर को नारायण बनाने वाला है, नारी को लक्ष्मी बनाने वाला है, नर को राम बनाने वाला है, नारी को सीता बनाने वाला है। इसलिए शास्त्रों में जो बातें आई हैं यादगार, वो कहां की यादगार हैं? कहां का पुरुषार्थ? संगम युग का पुरुषार्थ। और बाबा जी, जगदीश भाई हैं वो एडवांस की माता में प्रवेश करके रोते हैं, लेकिन बेसिक में जाके वो सच्चाई का क्या नहीं बताते? बेसिक में जाते हैं तब रोते हैं या एडवांस में जाते हैं तब रोते हैं? है, बेसिक से शरीर छोड़ करके जाते हैं, फिर एडवांस वालों के सामने जाते हैं तब रोते हैं, क्योंकि असलियत का उनको पता लग गया कि बेहद का जगदीश कौन है और हद का जगदीश कौन है। और है बाबा ने हिंदी में बोला है, मन पर अगर जीत पाली तो एक बूंद, मन पर अगर जीत पाली हाँ, तो एक बूंद पानी में पूरा संसार देख सकते हैं। एक बूंद पानी में सारा संसार देख सकते हैं। ठीक है, तो पापा मन पर जीत पाना माने क्या? मन पर जीत पाना माने तो बाद में देखना, एक बूंद माना क्या? एक बिंदु माना एक बूंद, माना मन के ऊपर जीत हो गई। क्या करना है? एक बिंदु अर्थात एक बूंद। देवताएं जीत पाए हुए होते हैं मन के ऊपर, या मन उनका चंचल होता है? हैं? क्या विशेषता आ जाती है उनके अंदर? हैं? एक बिंदु के ऊपर ध्यान केंद्रित हो जाता है, वो एक बिंदु ही एक बूंद है, सारा सागर एक बूंद में समा जाता है। और भौतिक संपत्तियों से शोर दिखाने के लिए उनके पास जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए, लेकिन मन बुद्धि का जो पांव है वो लौकिक में रखा रहे या अलौकिक में रखा रहे? दो नवैया हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक। दोनों नवैयों पर पांव रखने के लिए बोला गया है, लेकिन बैलेंस अलौकिक नवैया में जो पांव रखा हुआ है उसमें दबाव ज्यादा देना है बुद्धि का,
या लौकिक नवैया में जो पांव रखा हुआ है उसमें दबाव देना है, दिखावा मात्र है बाहर की दुनिया, क्योंकि पहले से पता है ये नवैया डूबने वाली है और ये नवैया पार ले जाने वाली है। जो भस्म होने वाली दुनिया है उसकी लोकलाज का बुद्धि में ख्याल नहीं रखना होता है। जो नई दुनिया सामने खड़ी है उसका बुद्धि में क्षण क्षण ख्याल रखना है। और अगर जाते हैं तो बुद्धि में बातें चलती हैं तो क्या है? उसका मतलब बैलेंस टूट गया। लगाव लगा हुआ है, देह और देह के संबंधों से लगाव लगा हुआ है तो बुद्धियों को तोड़ देगा। अगर अटैचमेंट नहीं है, एक बाप में अटैचमेंट है तो बुद्धि को कोई हिलाए नहीं सकता। अंगद का मिसाल हो जाता है। अंगद ने क्या किया है? बुद्धि का पांव कहां जमा दिया है? रावण संप्रदाय की लौकिक दुनिया में जमाई दिया। हिलाना है तो हिलाओ, अगर हिल जा, अगर वो पांव रावण ने हिला दिया होता, देह और देह के संबंधियों ने हिलाए दिया होता तो उसे साक्षी कहेंगे या लगाव वाला कहेंगे? लगाव वाली बात हो गई। और घर जाते हैं तो मम्मी भट्टी की भी नहीं होती है तो खाना खा सकते? मम्मी खाता माँ हो, बहन हो, भांजी हो, तन से कन्या हो, अधर कुमारी हो, देखना है कि जिनके हाथ का खाना खा रहे हैं उनकी मन बुद्धि विनाशी दुनिया में लगी हुई है या अविनाशी दुनिया में लगी हुई है? है? कहां लगी हुई है? है? विनाशी दुनिया में अगर बुद्धि लगी हुई है तो उनके हाथ का बनाया हुआ भोजन हमारे ऊपर कौन सा प्रभाव डालेगा? विनाशी दुनिया का ही प्रभाव डालेगा। माँ है ये तो ठीक है कि माँ अपने बच्चे के प्रति कभी कल्याणकारी नहीं होती है, लेकिन अज्ञानी तो हो सकती है। अज्ञानी होने के कारण अकल्याणकारी हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। ज्ञान में चलने वाला कितना भी चाहे परिपक्व हो परंतु अगर लौकिक हाथों का बना हुआ भोजन खाता है तो वो लौकिक हाथ, वो दृष्टि, वो वृत्ति, जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा हुआ है वो ये वाइब्रेशन जरूर छोड़ेंगे कि मेरा बच्चा शादी कर लेता तो अच्छा था। और शादी बर्बादी होती है। और यज्ञ के आदि में भूमंडल से आगे चल के ब्रह्मा कुमारी और फिर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, फिर आध्यात्मिक आगे चल के फिर स्पिरिचुअल गॉडली भी मिलते हैं।
दुनिया में जितने भी धर्म हुए हैं वो धर्म के विभेद हुए हैं या नहीं हुए हैं? बौद्ध धर्म से हीनयान महायान, इस्लाम धर्म से मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्म से शिया और सुन्नी, ऐसे ऐसे फांटे होते गए। जो भी विभेद होते गए वो सब एक समान शक्ति वाले हैं या नंबर वार हैं? नंबर वार हैं। ऐसे यहां भी है, ब्राह्मणों की दुनिया में नौ कुरियां बन गईं, नौ कुरियों का कनेक्शन नौ धर्मों से है, नौ धर्मों का कनेक्शन नौ धर्म पिताओं से है। अव्वल नंबर का अल्लाह, अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म स्थापन करने वाला कोई तो धर्म पिता होगा कि नहीं होगा? जो होगा वही सूर्यवंशी धर्म स्थापन करता है। वंश बनता ही है तब जब उस वंश को आरंभ करने वाला कोई निमित्त हो। सूर्यवंश को आरंभ करने वाला सूर्यवंशी चाहिए, सूर्य। चंद्रवंश को आरंभ करने वाला चंद्रमा चाहिए। इस्लाम को आरंभ करने वाला इब्राहिम चाहिए। क्रिश्चियन को आरंभ करने वाला क्राइस्ट चाहिए। ऐसे ही सनातन धर्म का स्थापन करने वाला सनत कुमार चाहिए, जो योगियों का ईश्वर कहा जाता है। ब्रह्मा की सृष्टि में अव्वल नंबर माना जाता है, उसी में अल्लाह प्रवेश करके अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना करता है। और बाबा एलएस में बाबा के सम्मुख क्लास के लिए होती क्लास कब तक जरूरी है? है संपूर्ण नाम है हाँ, निश्चय अगर बैठ गया कि हमको बाप मिल गया तो बाप चाहिए, या बाप के द्वारा ज्ञान चाहिए? है, अगर बाप प्रैक्टिकल में मिल गया तो प्रैक्टिकल जिन्हें मिल चुका है उनका कनेक्शन प्रैक्टिकल होगा या कभी होगा या नहीं होगा? है, बाप बच्चों के बिगर नहीं रह सकते और बच्चे बाप के बिगर नहीं रह सकते। जिनको सदाकाल प्रैक्टिकल बाप मिला हुआ है वो तो जब चाहे तब कनेक्शन जोड़ेंगे, और जो बात जरूरी है वो पूछ लेंगे। कदम कदम पर उनको प्रैक्टिकल में श्रीमत मिलती रहेगी, औरों को कदम कदम पर मिले या न मिले। तो क्लास करना जरूरी है या जो विश्व कल्याण के हेतु ईश्वरीय वाणी चल रही है टाइम टू टाइम, वो वाणी से लाभ लेना जरूरी है।
बस औरों का भला उसमें हमारा भला, सबका कल्याण में हमारा कल्याण भी छुपा हुआ है। जिनकी बुद्धि में ये बात बैठ गई उन्हें अलग से क्लास करने की दरकार नहीं है, क्योंकि उनको तो परमानेंट ईश्वरीय सेवा मिली हुई है। ईश्वरीय सेवा में जो परमानेंट रहते हैं उनको कौन याद करता है? बाप याद करता है। तो जिनको बाप याद करता है उनके लिए बाप का फर्ज हो जाता है प्रॉपर्टी देना है या ना देना, या किसी और का फर्ज है? तो वो बाप का फर्ज है, बाप का काम है जितना जरूरत है उतना ज्ञान दे और समय पर दे, तो देता है। और बाबा ये बात कितने बच्चे के लिए लागू होती है कि बाप बच्चे से मिले और बच्चे बाप से मिले? काशीवासी जितने बने उनके लिए लागू होती है। क्या काशी के लिए गायन है? हैं? नहीं, काशी करवट तो है, काशी के लिए खास बात कौन सी प्रसिद्ध है? जो काशी में मरेंगे वो स्वर्ग में जरूर जाएंगे, तो मरे दुनिया से हैं? दुनिया से मर गए नंबरवार मर गए नंबरवार तो मर गए, लेकिन फिर भी परसेंटेज में ज्यादा कहेंगे जो काशीवासी हैं वो दुनिया के मुकाबले ज्यादा मरे हुए कहेंगे देहबान से या कम है? लौकिक संबंधियों से मिलना जुलना भी बंद हो जाता है कि मिलते हैं? है? मिलना जुलना भी बंद, फोन से बातचीत करना भी बंद हो जाता है, चीजों का आदान प्रदान करना भी बंद हो जाता है, दृष्टि का लेना देना भी बंद हो जाता है, कोई प्रकार का कनेक्शन दुनिया वालों से कट हो जाता है। तो ये दुनिया से मरना नहीं हुआ क्या? है? मरना तो हुआ, हाँ, कुछ न कुछ नंबरवार तो सब बातों में होते हैं। और भारत में जो शरीर छोड़ते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, मना ढोल वगैरह बजा करके, और विदेश में जो जन्म रहते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, उनकी पेपर में फोटो छपती है, तो इसका बेहद में अर्थ क्या हुआ? भारत में जो शरीर छोड़ते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, कहाँ प्रत्यक्ष? वरना सभी को कुछ पता चल जाता है आसपास की शरीर छोड़े हैं, और विदेश में जब कोई जन्म लेता है तब न्यूज़पेपर में फोटो छपती है, वरना शहर में पता चल जाता है, तो इसका बेहद में अर्थ क्या है? फोटो छपती है तो जो जन्म लेते हैं उनकी, और जन्म लेते हैं उनसे प्रत्यक्ष हो जाता है विदेश में? हाँ। जो जन्म लेते हैं हाँ। उनकी पेपर में फोटो छपती है, मतलब उनका गायन होता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि विदेश में जो भी आत्माएं जन्म लेती हैं उनका फोटो पेपर में छप जाता है, ऐसा है क्या? और बाबा ताज जिम्मेवारी का यादगार होता है, ताज जिम्मेवारी का यादगार होता है, जिम्मेवारी का ताज जिम्मेवारी का यादगार का ताज जिम्मेवारी का भी होता है, और ताज प्योरिटी का भी होता है, और ताज
राजाई का भी होता है। अभी संगम युग में कौन सा ताज है? ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी का ताज है और साथ साथ पवित्रता को धारण करने की जिम्मेवारी का ताज भी है। ऐसे ब्राह्मण भी हैं जिन्होंने पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज धारण किया हुआ है और ऐसे ब्राह्मण भी हैं जिन्होंने ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी का ताज धारण किया हुआ है। संगम युग में जो ये ताज धारण करते हैं वो ही 21 जन्मों में प्रैक्टिकल में राजाई का भी ताज धारण करने के निमित्त बनते हैं। 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। और मंथन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में टिकने को प्रगति नहीं कहा जाता। मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में टिकने को प्रगति नहीं कहा जाता। कितने को टिकने को कितने टिकने को मनन चिंतन की सूक्ष्म स्टेज क्या है? सूक्ष्मते सूक्ष्म स्टेज क्या है? है निसंकल्प स्टेज। जितना बीज रूप स्टेज में टिकेंगे उतना मनन चिंतन विस्तार में भी जरूर चलेगा। पहले सूक्ष्म का फाउंडेशन पड़ता है या स्थूल का फाउंडेशन पड़ता है? वृक्ष तैयार होता है तो पहले पहले फाउंडेशन किसका पड़ता है? सूक्ष्म बीज का फाउंडेशन पड़ता है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म वाइब्रेशन है ही बिंदु रूप स्टेज, निराकारी स्टेज, जिसको कहते हैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। ये बाप समान स्टेज है। ऐसी बाप समान स्टेज जिनकी बनती जावेगी, जैसे मनुष्य सृष्टि के बाप के अनेक जन्म प्रत्यक्ष होते जाते हैं, ऐसे उन बच्चों के भी अनेक जन्म प्रत्यक्ष होते जावेंगे। ऐसे अनेक जन्म प्रत्यक्ष होने का आधार क्या हुआ? बीज रूप स्टेज। सूक्ष्मते सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज। और सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण व्रत करना। वो कहा है कि साकार में निराकार व्रत करना। तो दो बातें कहाँ हैं? निराकार प्रवेश किसमें करता है? जिस साकार में प्रवेश करता है उसकी ऊंचते ऊंची स्टेज क्या बनती है? नारायण। तो नारायण को याद करना अर्थात नारायण की जैसी स्टेज है वैसी स्टेज हमारी भी बनेगी। संग का रंग जरूर लगेगा। उससे जाति ऊंची स्टेज संसार में और कोई होती ही नहीं। ये लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, नर से नारायण बनना। तो नारायण को अगर पहचान लिया तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना, क्योंकि बुद्धि में बैठ गया नारायण में शिव है ही है। नारायण साकार है और शिव निराकार है। साकार और निराकार का नाम वर्तमान में बाबा है, उसको कहते हैं शिव बाबा।
और बाबा सूक्ष्म से सूक्ष्म मंथन करने का अर्थ क्या? बिंदु बनना। सूक्ष्म से सूक्ष्म मंथन करना माना बिंदु बन जाना, बिंदु ही याद रहे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। फिर पापा ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करता, जो जितना बीज रूप स्टेज में टिकेगा उसका रिजल्ट क्या आएगा? जितना सूक्ष्म बीज होगा उतना उसका वृक्ष विस्तार वाला बनेगा। जैसे बरगद का बीज बहुत सूक्ष्म होता है तो उसका वृक्ष उतना ही जास्ती विस्तार वाला हो जाता है। वृक्ष माने तरीका, वृक्ष माने विस्तार, अनेक जन्मों का विस्तार। और होशंगाबाद में पीयूष भाई, छह महीने को मतलब अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया। पीयूष भाई छह महीने को अंडरग्राउंड कर लिया, मतलब देखते हैं, मतलब कुटिया में रहते हैं, मतलब 24 घंटे याद ही करते हैं। मतलब किसको याद करते हैं? आपको याद करते हैं, जैसे बात बोलते हैं। मतलब आपके कान में ज्यादा बोलते हैं क्या? है मतलब आप मतलब उनका समझ गए है? भाई उनकी जो शंकर जी वो आगे मिलते हैं, मतलब बताते हैं, मतलब वो आपको बता रहे हैं। अच्छा, और विष्णु पार्टियां निकली हैं, वो भी बताती होंगी आपको? और कोई नहीं बताती? आप एक ही विष्णु पार्टी के संपर्क में हैं? नहीं, मिलते हैं, माने मिलना जुलना हुआ है, हिसाब किताब कुछ न कुछ है जरूर है। 63 जन्मों का हिसाब किताब जहाँ होगा संगम युग में भी वो दिखाई पड़ेगा या नहीं? है, जरूर दिखाई पड़ेगा। खतरा है क्या? मतलब दुनिया में कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, हमारा कनेक्शन शिव बाबा से है। भविष्य में क्या होगा वो तो किसी को पता नहीं है। अगर कुछ पता है भी तो बाबा के महावाक्यों के अनुसार हमको पता है, लेकिन मुरली में तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। डायरेक्शन क्या क्या कि दुनिया वालों की नजरों से गुप्त हो जाना है और ब्राह्मण परिवार की नजरों से भी गुप्त हो जाना है, ऐसा बोला है? हैं, आज की अव्यक्तवाणी में भी क्या इशारा दिया? ब्राह्मण परिवार का सहयोगी बनकर के रहना है या तोड़ के रह जाना है, गुप्त हो जाना है? सहयोगी बन के रहना है। समय भी मिलता जाएगा। हाँ जी भाई, भाइयों को पूछ कर सकते हैं? भाई भाइयों को कोर्स नहीं करेंगे तो किसको कराएंगे? है, मुरली में भी तो डायरेक्शन दे दिया, माताएं कन्याएं माताओं को बैठ समझाएं और भाई भाइयों को बैठ समझाएं, इसमें पूछने की तो बात ही नहीं। अगर कुछ उल्टा करेंगे तो हो सकता है माया की गिरफ्त में आ जाएं। खास करके कुमारों को ज्यादा ललचाईमानी होती है कि कन्या का उद्धार कर दें। और
और यूनिवर्सिटी का नाम है गाडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी मुरली में आया। यूनिवर्सिटी तो कौरवों की होती है, पांडवों की नहीं होती। पांडव तो बहुत बड़े हैं, इसलिए तो गाडली शब्द लगाया है। वो दुनिया में जो यूनिवर्सिटी होती है वो गॉडली यूनिवर्सिटी होती है या डागली यूनिवर्सिटी होती है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी कहा है। और नारी धर्म की शिक्षा से कनेक्टेड कर दिया, नारी धर्म की शिक्षा अनसुईया माँ द्वारा सीता जी को दी गई है। जबकि अपन संगम युगी जीवन से देखें तो दोनों पार्टधारी एक हैं। नहीं, सीता माता उसका नाम है जो राम की सहयोगी पार्टधारी है। राम जगत पिता का पार्ट है और जगदम्बा का पार्ट सीता का पार्ट है। जो सीता धरती से ही जन्म लेती है और धरती में ही समा जाती है। अनसुईया भी धरती से तो जन्म लेती है लेकिन धरती में भी भारत श्रेष्ठ है और भारत में भी कौन सा शहर सबसे श्रेष्ठ माना जाता है? जो भगवान की नगरी मानी जाती है काशी नगरी। नाम काशी क्यों पड़ा? ज्ञान नहीं, क्योंकि याद के तेज से बनी है। जहां याद का तेज है वहां ज्ञान का तेज होगा या नहीं होगा? इसलिए दुनिया के अंदर वाराणसी विद्वानों की नगरी मानी जाती है। इसलिए सीता को अनुसुईया से शिक्षा लेनी पड़ती है। शिक्षा देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला बड़ा होता है? देने वाला बड़ा होता है। और किसी ने पूछा है कोई गीता पाठशाला की माता जो 30-35 की उम्र के आसपास है क्या उनको ये श्रीमत है कि कुमार भाई के साथ अकेली कहीं भी आ जा सकती या मोटरसाइकिल पर बैठकर सेवा करने आ जा सकती है? अगर उसके पति ने परमिशन दी है तो आ जा सकती है। क्यों नहीं आ जा सकती है? पति को इतना विश्वास है युगल के ऊपर तो परमिशन देता है। इस बात से दूसरों को क्यों परेशानी होनी चाहिए? अगर दूसरों को परेशानी होती है तो परचिंतन है या स्वचिंतन है? परचिंतन करने से रिजल्ट क्या आवेगा? है पतन। और है बाबा ने बोला है ये है पियर घर, तुम बच्चों को जाना है ससुर घर, तो ससुर घर का अर्थ क्या है? ससुर घर का अर्थ है
विष्णु का घर। विष्णु कौन बनता है? नारायण ही विष्णु है। ब्रह्मा विष्णु नहीं है। तो हमारा नाम क्या है? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो हम कहाँ हैं अभी? ससुर घर में हैं या पियर घर में हैं? पियर घर है। अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता नहीं बने हैं, देवता बनने वाले हैं। और बाबा एक होता है ज्ञान का मनन चिंतन करके उसमें कोई शब्द उठने लगते हैं, एक होता है ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके तो फिर उसमें क्वेश्चन उठने लगते हैं, और एक होता है बाबा ने जैसा बोला वैसे तो वैसे ही स्वीकार कर लिया ना, कोई उसमें मनन चिंतन नहीं करता। मनन चिंतन मंथन को उदाहरण दिया है गाय की जुगाली के साथ। गाय जो कुछ खाती है खाने के बाद जुगाली करती है, ऐसे ही हम ब्राह्मण जो ज्ञान लेते हैं ईश्वर से, उस ईश्वरीय ज्ञान के महावाक्यों पर मनन चिंतन मंथन रूपी जुगाली करते हैं, उसको जब चबाते हैं तो रस निकलता है, उस रस से खून बनता है। हमारा खून कौन सा है? स्थूल है या सूक्ष्म है? कौन सा सूक्ष्म खून है? जो शुद्ध संकल्प आते हैं वो ही हमारा खून है। ब्राह्मणों के जो शुद्ध संकल्प हैं वो श्रीमत से निकलते हैं, जो अशुद्ध संकल्प होते हैं वो माया की देन है, विकारों की देन है, विविचारी याद की देन है। विविचारी याद से अशुद्ध संकल्पों की उत्पत्ति होती है, इसलिए मनन चिंतन मंथन को भी चेक करना है कि जो भी हमने मनन चिंतन मंथन किया जुगाली की, उससे जो रस निकला है वो रस हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है और विश्व का कल्याण करने वाला है या नहीं है? अगर आत्मा का भी कल्याण करने वाला नहीं है, विश्व का कल्याण करने वाला भी नहीं है, तो उसकी पहचान बाबा ने बता दी। क्यों, क्या, कैसे, कब, ये प्रश्न पैदा होते रहेंगे। ये जो प्रश्न पैदा होते हैं वो हमारे 84 जन्मों को प्रत्यक्ष करते हैं या गुप्त कर देंगे? है, गुप्त कर देंगे। और है यज्ञ में जो धन देके उतना नंबर मिलेगा, किसी आत्मा को संदेश देकर पट्टी करवा के और बच्चा के उतना नंबर मिलेगा? यज्ञ जो में धन दान देते हैं उससे ज्यादा नंबर मिलेगा या किसी आत्मा को संदेश देकर पट्टी करवा के ज्यादा नंबर मिलेगा? जो स्थूल धन है वो हाथों का मैल है, तन के द्वारा कमाया हुआ है,
और वो स्थूल धन ये भी हो सकता है कि अच्छी कमाई हो या न हो, लेकिन दूसरों को जो संदेश देते हैं ईश्वरीय ज्ञान का, वो ईश्वर का दिया हुआ धन है। जगदम्बा भी देती है और लक्ष्मी भी देती है, दोनों देने वाले तो हैं, लेकिन दोनों के दान में क्या अंतर है? है कोई अंतर है या नहीं है? लक्ष्मी जो देती है वो ईश्वर का दिया हुआ ही धन देती है, अपना कुछ भी नहीं देती। और जगदम्बा सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। लक्ष्मी लक्ष्मी सिर्फ ज्ञान धन की पूर्ति करती है, वो जगत की अम्बा और वो भारत की अम्बा, भारत माता। तो अंतर पड़ जाता है, यहां तो स्थूल धन की बात है, ये तो और ही नीची बात है। स्थूल धन कोई जरूरी नहीं है, कि ईश्वरीय धंधे से ही कमाया हुआ स्थूल धन है। ईश्वरीय धंधे से जो स्थूल धन निकलता है उसकी पावर लौकिक धंधे से कमाए हुए धन के मुकाबले जास्ती होती है या कम होती है? जास्ती होती है। ब्रह्मा बाबा ने ईश्वरीय धन से सिर्फ एक ही सेंटर खोला था। उनके जीवन में जितने भी सेंटर्स खुले थे वो सब दुनिया वालों के लौकिक धन के द्वारा खुले, और ब्रह्मा बाबा ने एक ही अहमदाबाद सेंटर खोला ईश्वरीय धन से। उस धन से जो ईश्वरीय सेंटर खोला उसका रिजल्ट आ गया कि अहमदाबाद सब सेंटर्स का बीज रूप है। जहां से सोमनाथ और सोमनाथिनी प्रत्यक्ष होते हैं, तो ईश्वरीय सेवा से कमाया हुआ धन बहुत पावर वाला हो जाता है। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। पेट के लिए धंधा करना है या नहीं करना है? है करना तो है, लेकिन वो धंधा नुकसान वाला धंधा करना है या दिन प्रतिदिन जिस धंधे में कोई भी नुकसान होने की संभावना नहीं है वो धंधा करना है? धंधा किए बगैर पेट की पूर्ति नहीं होगी। भले बाप दादा ने बच्चों को निश्चिंत कर दिया है, मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, लेकिन कोई मेरा बच्चा कहे तो मैं मेरा बच्चा अर्थात भगवान का बच्चा हूं और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कुछ भी न करे
तो वो भगवान का बच्चा कहा जाएगा है? भगवान का बच्चा तो तब ही कहा जाएगा जो ईश्वरीय सेवा में सरेंडर होकर भगवान का तो बना, लेकिन 8 घंटे की बजाय कितने घंटे ईश्वरीय सेवा में लगाए? 16 घंटे ईश्वरीय सेवा में लगाए, तब है भगवान का बच्चा। और ईश्वरीय धंधा करने वाला, ईश्वरीय धंधा करके अपने पेट की पूर्ति भी करता है और विश्व कल्याण के कार्य में कमाए हुए धन को भी लगाता है, तो उस धन की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। ओम शांति।